आज का जो वीडियो है व्यूअर जो है धीरज गुप्ता जी उनके मेल के आधार पर बनाया है। उन्होंने मुझे मेल किया था, अपना सवाल पूछा था पासपोर्ट के रिगार्डिंग, उसके बेस पर ही आज का यह वीडियो है। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे मेल करते हैं मेरी मेल आईडी पर drkaushalyandubey@gmail.com पर, तो उनके मेल्स के जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, हर कमेंट को पढ़ पाना, वीडियो के नीचे हर कमेंट्स को जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारे वीडियो हो जाते हैं उनके नीचे किसने क्या कमेंट किया हर समय नहीं देख पाते। लेकिन मेल्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और मेल आईडी में जो मेल्स हैं मैं उन्हें डेली पढ़ता हूँ, उनको डेली खोल के देखता हूँ, इसलिए उनके जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। तो आज का वीडियो है मेल के आधार पर ही है, तो सीधी बात नो बकवास सिर्फ काम की बात। मैं हूँ डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात में डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मेल है धीरज गुप्ता जी, सबसे पहले तो धीरज गुप्ता जी धन्यवाद कि आपने मुझे मेल किया, अपनी समस्या मुझे बताई और आपने इस लायक समझा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊँ। तो उनका मेल है कि डियर सर, आई एम अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, ऑल प्रोसीजर ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन आर डन, बट सर 15 डेज आर गो एंड माई पासपोर्ट स्टेटस सो एज अ पेंडिंग इन पुलिस स्टेशन, सर प्लीज प्रोवाइड मी हेल्प व्हाट आई डू। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो पुलिस थाने में वेरिफिकेशन होता है तो हमें एक्चुअली क्या लगता है कि पुलिस ने या तो हमें बुलाया या पुलिस आप, मतलब वेरिफिकेशन का यही है, या तो पुलिस आपको थाने बुलाएगी या फिर पुलिस आपके पास आती है। एक्चुअली मेथड तो यही है कि पुलिस को आपके पास आना चाहिए, पर कई बार वो आपको थाने बुला लेती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्होंने वेरीफाई कर दिया, आपका आधार कार्ड ले लिया, आपके सिग्नेचर ले लिया, आपकी आईडी देख ली, आपका सब कुछ चेक कर लिया। अब होता क्या है कि डिपेंड करता है कि आपके पुलिस थाने पर कितना लोड है। अगर लोड ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, एक साथ कई वेरीफिकेशन होते हैं उनको वो भेजते हैं, तो उसके बाद ही आपका जो स्टेटस है वहां पर अपडेट होगा। लेट होना स्वाभाविक है क्योंकि आप जानते हैं सरकारी सिस्टम है, पुलिस हमारी किस तरह से काम करती है। एक्चुअली उनके ऊपर भी वर्कलोड बहुत होता है, थानों में कई बार क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर कई सारे काम डाल दिए जाते हैं, तो इकट्ठे जितने भी वेरिफिकेशन है उनको वो भेजते हैं, एक एक करके नहीं भेजते। जैसा कि मैंने कहा लोड पर डिपेंड करता है कि अगर आपका छोटा थाना है तो वेरिफिकेशन एक या दो ही आए तो उनको वेरीफाइड कर देगी, लेकिन आपका थाना अगर बड़ा है तो वहां वेरिफिकेशन जाहिर सी बात है ज्यादा आएंगे, तो उनको उनमें वो टाइम लगा लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात, आपने पूछा कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना चाहिए, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धीरज कीजिए। जो मेरे साथ हुआ था वह यही है कि मैंने जब अप्लाई किया था उसके बाद जब पुलिस का वेरिफिकेशन हो गया उसके कई दिनों बाद तक वो पेंडिंग था। क्यों? क्योंकि पुलिस ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपनी नहीं भेजी थी। एक्चुअली वो इकट्ठा करते हैं उसके बाद ही वह भेजते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो अभी वहाँ नहीं लगी है, तो आपको करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस को नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट है वो वहाँ लगाएंगे और जैसे ही वो लगाएंगे तो वहाँ वो अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो वेरिफिकेशन हो गया तो उसकी रिपोर्ट जब वो लगाएंगे तभी आपको चिंतित होने की आवश्यकता है कि रिपोर्ट लग गई है और मेरा जो पासपोर्ट है वो अब नहीं बनेगा। तो ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन के बाद आपका जो पासपोर्ट स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा। मेरा पासपोर्ट स्टेटस को जो अपडेट होने में वेरिफिकेशन के बाद भी जो अपडेट होता है उसमें काफ़ी टाइम लगा था, तो मतलब यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मतलब इसमें कोई चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ चिंता होने की आवश्यकता तब होती जब वो नेगेटिव रिपोर्ट लगा देते, तब आपको कुछ सोचना चाहिए था। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बात है तो आप अपने थाने पर जाकर के कन्फर्म कर सकते हैं जहाँ आपने अपना वेरिफिकेशन कराया था। आजकल तो पासपोर्ट बनना काफ़ी आसान हो गया, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद तुरंत आपको जो अपॉइंटमेंट है वो मिल जाता है, वहाँ जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, फटाफट वो वहीं आपके फ़ोटो खींचते हैं और तुरंत वो आपका वहाँ पर उसको प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब इस समय ज़्यादा झंझट नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइम जो लगता है वो पुलिस वेरीफिकेशन में ही टाइम लगता है, और पुलिस वेरीफिकेशन होने के बाद फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वो आपको तुरंत की तुरंत पासपोर्ट भेज देते हैं। कई बार 15 दिन 20 दिन 1 महीना तक लग जाता है, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 या 2 महीने में आपका पासपोर्ट बन जाता है। यह डिपेंड करता है कि जो आपका सेंटर है वो कितना व्यस्त है, वहां पर कितना ज्यादा वर्कलोड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर मेल कीजिए। मेरी मेल आईडी है drkaushalyandubey@gmail.com, जो नीचे आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रही होगी वो मेरी मेल आईडी है, आप वहाँ मेल कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया मैं मेल पर आए हुए सारे सवालों के जवाब जरूर देता हूँ। तो नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा, जय हिंद।